बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आज हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पूरी कोशिश की। रात से लगे हुए थे, रात से जो जेल के अहकाम हैं उनसे हम रब्ता कर रहे थे कि हमारी मुलाकात करवाई जाए, जो कि कानूनी तौर पर हमारा हक है। खान साहब से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने हैं और उनसे केसेस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, जो कि कानूनी तौर पर हमारा हक है। लेकिन शायद वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से आज जो है हमें इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ ये कहा गया कि बीबी साहिबा को अलाउ है और आप नहीं मिल सकते, आप अगले हफ्ते आइएगा। तो हमारी तरफ से किसी तरह से ना कोई मजम्मत की गई है, सिंपली हमने रिक्वेस्ट की है और पुरसकून तरीके से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खैरियत से वापस जा रहे हैं और कोई ऐसी वहां पे लड़ाई या कोई हत्थापाई नहीं हुई। जैसा कि कल वो एक FIR जो है दर्ज की गई थी हमारे जो दूसरे दो मौजूद शेर अफजल मरवत साहब और बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब आए थे और उन्होंने कोशिश की और बाद में जो है वो ये कहा गया कि इन्होंने आके लड़ाई की है और उनके ऊपर FIR जो है दर्ज कर दी कि इन्होंने मजम्मत की। हालांकि वो बिल्कुल ठीक थे, कोई उनकी वर्दियां जो हैं वो नहीं फटी हुई थी, क्योंकि अगर लड़ाई होती तो डेफिनेटली पुलिस इतनी ज्यादा तादाद में होती है तो दो बंदे अगर आगे से कोई मजम्मत करते हैं तो इनके भी तो कुछ कपड़ों के ऊपर कुछ होना था। लिहाजा उन्होंने उसकी हद तक तो प्रीरेस बेल ले ली है। बीबी साहिबा से जो है वो अभी बात हुई है, जब वो निकली हैं तकरीबन 30 मिनट की मुलाकात उनकी हुई है और वो कह रही हैं कि सेम वही पोजीशन है, यानी कि जो क्लास है उसको चेंज नहीं किया गया, इतना उन्होंने पैगाम दिया है। बाकी उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप सिंपली ये बता दें, लीगल टीम की आज मुलाकात नहीं हुई, हम इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कोशिश करेंगे। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उस पर कंप्लायंस करवाना, उसका हुक्म मानना जेल हकाम की ड्यूटी थी जो कि नहीं माना गया। इस बाबत हम कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करेंगे और जेल हकाम के खिलाफ तुहीन अदालत की कार्रवाई करवाएंगे। देखें, इमरान खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात ना करवाना तो ये बहुत सारा हमें शक होने लगता है कि जो जैसा इमरान खान साहब के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, किस तरह उनको एक सेल में रखा जा रहा है कि शायद उस तरह के सेल में दहशत गर्दों को भी नहीं रखा जाता। तो ये साबिक वज़ीर आज़म है, 27 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो ये सोचना चाहिए अदालतों को भी कि किस तरह उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिए जाते हैं।